गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अपने एम वर्ड निकालेंगे। आज हम एम से शुरुआत कर रहे हैं, एम फॉर मलेशिया। ओके, कल बहुत से लोग नहीं आ पाए थे बारिश की वजह से। डू नॉट वरी, कुछ मिस नहीं हुआ है आपका, हम कवर कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो एम फॉर मलेशिया, एम फॉर मध्य प्रदेश भी होता है ना, निकालिए। एम से शुरुआत करेंगे हम, बीच बीच में से वर्ड्स कर रहे हैं, मतलब जैसे ए के किए थे हमने, ए वन ए टू ए थ्री, थ्री पार्ट्स में है। तो ए वन में 30 थे, हमने सिर्फ 20 किए थे, मुझे याद है। तो आप ये सोच रहे हो वो 10 बीच में हम कवर कर लेंगे उससे। आज जैसे एम के करेंगे, आज एम के सारे हो ही नहीं पाएंगे पूरी क्लास में, बचे हुए हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो डू नॉट वरी, फाइन, बुक सभी के पास है। okay. तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी आर डूइंग एम वर्ड्स। गौतम जी एक बार उन्हें फोन कर देना, जिन्हें फोन करना है एक बार फोन कर देना। कुछ ला रहे थे ना वो, मंगा लेना। शीट नहीं है आपके पास? आप तो ऑलरेडी डेमो कर चुके हैं। आफ्टर क्लास के बाद नहीं, आफ्टर क्लास या क्लास के बाद? दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लूस एक्सप्रेशंस। आफ्टर भी और बाद भी, दिखाइए ना? जी यही है, ठीक है। 24 वर्ड्स लो, मैं देता हूँ। नहीं आप दो, मुझे दो, मुझे देखना है कि मुझे शक्लें देखनी है, किस किस के पास बुक नहीं है। ये लीजिए, थैंक यू बोलिए। अच्छा, इसके बैक साइड पे नहीं है इसके, ऐसा क्यों भाई? ये दो अलग से रखी है। अरे अरे, किसी के भी नहीं है, मैंने भी देखा। ओके, नो वरीज। एंड आप भी थैंक यू बोलिए। यहाँ सभी के पास बुक है। यस यस, ओके। एंड एम, अच्छा वो आगे पीछे की ऐसे की होगी ना उन्होंने, तो जिस पे ये लिखा है वो दे दीजिए इन्हें। हाँ, फिलहाल तो एम ये है। हाँ, वो वापस कर देंगे। वो भी दे दो यार, वो भी दे दो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आज नहीं तो कल, हो सकता है किसी वजह से इनके पास कल बुक ना हो तो ले आएंगे। एंड एंड एनी वन एल्स, यहाँ है, चाहिए किसी को? अच्छा, आप तो आज पहली बार आ रहे हैं या पांचवी बार? ओके, आपको चाहिए है बुक? थैंक यू। अरे ये देखना, दूसरी वाली दे देना एक बार। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। कल आपने वो स्टोरी देखी थी, कल या परसों शिवजी वाली चलाई थी? कल देखी थी, परसों? कल थी है ना। क्या उपदेश था उसका? भगवान आपको क्या मौके देते हैं, पहचानना आपको है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आज का मकाब्र। कल आपने जी के वर्ड किए थे है ना, और उसमें आया था, अरे वहां से मत छोड़ो भाई, मैं कर लूंगा। आपने कल किए थे जी के वर्ड, उसमें डरावना के लिए दो वर्ड आए थे, एक तो था ब्रूसली से ग्रिसली और एक था ग्रुसाम, याद है ना। आज एक और वर्ड आ गया मकाब्र, इसका भी मीनिंग है डरावना। तो जब हम आपको कराएंगे ना सिनोनिम्स ऑफ डरावना, तो यू विल सी ये सारे वर्ड आएंगे उसमें, फाइन। तो मकाब्र का मीनिंग है डरावना, हॉरिबल, टेरिबल। और कैसे याद करेंगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है कब्र। रात को मुझे बड़ा डरावना सपना आया, किस चीज का? मकाब्र ड्रीम ऑफ कब्र। राइट डाउन, मकाब्र ड्रीम ऑफ कब्र, मकाब्र ड्रीम ऑफ कब्र। कल मैंने मकाब्र ड्रीम ऑफ कब्र देखा, डरावना सपना, मकाब्र ड्रीम। तो कब्र को अंडरलाइन कर दो। अब आपको समझ आ गया होगा आपको अंडरलाइन किसे करना है,
जो लिंक वर्ड है उसे और जो मेन वर्ड है उसे, ओके ये देखिए जी, मकाबर ड्रीम ऑफ कब्र आया है ने। एंड नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मिनिएचर, स्मॉल। वैसे देखो मिनी 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 तो स्मॉल ही होता है ना, दिस इज मिनी गर्ल इज मिनिएचर, मिनी गर्ल इज मिनिएचर, वेरी स्मॉल, मिनी मिनिएचर, मिनी मिनिएचर। मैकेविलेन, धूर्त, क्राफ्टी, बदमाश, बदमाश विलेन होता है, विलेन फिल्मों में होता है, विलेन एक हीरो और एक विलेन, विलेन दिखाई दिया तो जो विलेन है वो मैकेविलेन है, विलेन इज मैकेविलेन, क्राफ्टी, धूर्त, विलेन इज मैकेविलेन, क्राफ्टी, धूर्त, बदमाश, मैकेविलेन, फाइन। मैकिनेशन, साजिश, मैकिनेशन का मीनिंग है साजिश। देखो साजिश के लिए कॉन्स्पिरेसी वर्ड है, प्लॉट है, स्कीम है, प्लानिंग है, अब आ गया मैकिनेशन। मतलब न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले अपने एग्जाम की बात कर लेते हैं कि एग्जाम में कॉन्स्पिरेसी अब आना बंद हो गया है, अब मैकिनेशन आता है। तो दिस इज मशीन प्लस नेशन, तो मशीनों को हमारे नेशन लाया जा रहा है, जरूर कोई साजिश हो रही है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने का है, तो लिख दो मशीन प्लस नेशन मैकिनेशन, सिर्फ इतना लिखना है, मशीन प्लस नेशन मैकिनेशन, साजिश। मशीन नेशन मैकिनेशन साजिश षड्यंत्र, फाइन ओके। एक और वर्ड फिर हम करेंगे रिवीजन, मैट्रिकल, क्या लिखा है इसका मीनिंग, लोकगीत, पेस्टोरल सॉन्ग, लोकगीत। ये देखिए मैड, मैड क्या होता है, पागल, मैड गर्ल, गर्ल की स्पेलिंग गलत है, हम वैसे पढ़ रहे हैं, मैड गर्ल गा रही है मैड्रिगल, मैड गर्ल गा रही है मैड्रिगल। गीत बहुत तरह के होते हैं और इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आएंगे हमारे सामने, तो पहला वर्ड आया है हमारे सामने मैड्रिगल, अभी आगे चल के देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं वो हम देखेंगे, फिर अलग से उनकी कलेक्शन कर देंगे, ठीक है। सो मैड गर्ल मैड्रिगल, यही वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना, यही वर्ड वन वर्ड में उल्टे सीधे बना के दे देगा, उसकी डिफाइन कर देगा, तो आपको अगर वर्ड्स पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जिन्होंने वर्ड नहीं पढ़े होंगे, देखिए अभी बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, मैं आपसे पूछता हूँ बताओ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, तो आपने वही पढ़ा होता है, सेम बुक्स पढ़ी होती हैं, क्या होती हैं जी, जो भगवान को माने थीस्ट, जो ना माने एथीस्ट, ये सब पढ़ के आए होते हैं, ये सब एग्जाम में अब नहीं आता, अगर पेपर टफ आया तो ये सब नहीं आएगा। फिर ये जितने हम वर्ड्स कर रहे हैं ना, इसी को ही, इसी की डेफिनेशन लिख देगा और चार वर्ड दे देगा ऑप्शन में, अगर आपने वो चारों वर्ड पढ़े होंगे आप झट से उसका आंसर कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, दो ही बातें होती हैं, यस या नो, तीसरी कोई ऑप्शन होती नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिवीजन, देखिए और बताइए सामने, जब मैं कहता हूँ सामने देखिए तो बुक को भूल जाया करो, यहाँ देखकर हमें अपने आप को चेक करना है, इवेल्युएट करना है कि पांच में से हम अपने आप को कितने नंबर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो बताइए जी मैड्रिगल लोकगीत, व्हाट इज मैकिनेशन साजिश, मकाब्र द मीनिंग ऑफ मिनिएचर स्मॉल, एंड मैकेविलेन बदमाश, क्राफ्टी, धूर्त, कनिंग, ओके फाइन, पांच वर्ड डन, चले आगे, पक्का हम तेज तो नहीं कर रहे, स्पीड हमारी सही है, ओके तो अगला वर्ड मेम, घायल, मेम का मीनिंग है घायल, इंजर्ड तो सुना हुआ है आपने, वुंडेड तो सुना हुआ है, आज मेम भी सुन लिया, एक दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मार्केट में, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और पता क्या हुआ, मेम साहब मेम हो गई, मेम साहब मेम हो गई, इंजर्ड हो गई, मेम साहब मेम हो गई, इंजर्ड हो गई, घायल हो गई, मेम साहब मेम हो गई। अच्छा इसका सेंटेंस पढ़िए, समझ आ रहा है, आई विल नॉट किल यू, आई विल मेम यू, क्या मीनिंग हुआ इसका, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें घायल कर दूंगा, इजी फाइन, इंग्लिश बहुत इजी है, अगर टेक्निक पता चल जाए, नहीं तो इंग्लिश बहुत मुश्किल है ना। ये देखिए मेलेडी का मीनिंग है बीमारी, इलनेस, इलनेस सबने सुना होता है, बीमारी मेलेडी, और एक टॉफी आती है कौन सी, मेलोडी, वही हमारा लिंक वर्ड है, उसकी एड क्या आती थी, मेलोडी खाओ
खुद जान जाओ, ऐसी ऐड थी ना, हमारा भी लिंक वर्ड वैसे ही है, कह रहा है मेरिडी खाओ बीमारी भगाओ, मेरिडी खाओ मेलेडी भगाओ, मेलेडी खाओ मेलेडी भगाओ, माला से भी याद कर सकते हैं, एक लड़की का नाम है माला, तो माला को मेलेडी है, माला यानी कि हार मोतियों की माला, उससे भी कर सकते हैं, मेलेडी हो तो माला डालिए, जैसे मर्जी। अभी थोड़े दिन में आप खुद ही लिंक वर्ड बनाने शुरू कर देंगे, देखना आपका दिमाग उसमें चलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये रहा मेलाइज, बेचैन, बेचैनी, अनइजीनेस, अनकंफर्टेबल, सो मेलाइज। और कह रहे मैले, मैले कपड़ों में मेलाइज फील करते हैं, मैले कपड़ों में मलाइज लगता है, मैले कपड़ों में मलाइज लगता है, मलाइज, बेचैन, अनइजीनेस, मलाइज, फाइन। मॉल कंटेंट, असंतोष, मॉल कंटेंट इज असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन, ML, मल से जितने भी वर्ड बनेंगे सब नेगेटिव होंगे, याद रखना, संतोष हो ही नहीं सकता, असंतोष ही होगा, मॉल, मॉल प्रैक्टिस, ठीक है, सो दिस इज मॉल कंटेंट। तो कंटेंट, कंटेंट, बुक का कंटेंट अच्छा है ना, आपने बहुत बढ़िया बुक खरीदी, बहुत महंगी थी, परंतु खोला तो अंदर कुछ भी ज्यादा बढ़िया नहीं था, तो कह रहे बुक का कंटेंट अच्छा नहीं था तो फिलिंग मॉल कंटेंट, बुक का कंटेंट अच्छा नहीं था तो फिलिंग मॉल कंटेंट, बुक का कंटेंट अच्छा नहीं था तो फिलिंग मॉल कंटेंट, असंतोष, फाइन। मिनेकल, हथकड़ी, मैन, अंकल, पुलिस मैन ने अंकल को मिनेकल पहना दी, पहना रहे हैं, मैन अंकल, पुलिस मैन अंकल को मिनेकल पहना रहे हैं, मिनेकल एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, जब ये नाउन होता है तो इसका मीनिंग होता है हथकड़ी, और जब ये वर्ब होता है तो इसका मीनिंग हो जाता है हथकड़ी पहनाना या बांधना, मिनेकल, मैन अंकल मिनेकल, अंडरलाइन कर देंगे मैन अंकल और मिनेकल तीनों वर्ड्स को, ओके। तो आ गए हम 10 वर्ड के बाद एक और रिवीजन पे, फाइन। ये देखिए मॉल कंटेंट, व्हाट इज मिनेकल, मेम, आई विल नॉट किल यू, आई विल मेम यू, एंड मेलाइज, बेचैन, मेरेडी खाओ बीमारी भगाओ, है ना, मेरेडी मीन्स बीमार, ओके, डन, 10 वर्ड्स, 15 करते हैं फिर सबको रिवाइज करेंगे। ये देखिए मैनोमीट, बहुत बढ़िया वर्ड है, बंधनों से छुटकारा या आजाद करना, बंधनों से छुटकारा या आजाद करना, मैनोमीट, 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 मन्नू और अमित, एक कपल था, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, मन्नू और अमित, फाइन, दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी, समाज इनके खिलाफ था, भाग गए, मन्नू और अमित मैनोमीट हो गए, ऑस्ट्रेलिया भाग गए, मन्नू और अमित मैनोमीट हो गए, अमित नाम के लोग खुश मत होना, लिंक वर्ड है सिर्फ ये, मन्नू और अमित मैनोमीट हो गए, ओके, मन्नू अमित मैनोमीट, बंधनों से छुटकारा, सेंटेंस पढ़िए, कॉपी पेन कुछ है, थैंक यू, एक और शीट दे दो, आपने गलत शीट दी है उन्हें, एक और ले जाओ, प्रसाद पूरा लो, प्रसाद ही है भाई, तो यस ये वाली, थैंक यू बोलो दो बार, मैंने कहा था ना आप सिर्फ वर्ड नहीं सीखेंगे, आप बहुत सारी अच्छी आदतें सीखने वाले हैं, है ना, तो दिस इज मार, मार का मीनिंग है बिगाड़ देना, एक्चुअली दो शीट दी थी ना इसलिए हमने कहा दो बार थैंक यू बोलिए, है ना, सो मार का मीनिंग है बिगाड़ना, तो कह रहे मार मार के मार डाला, मार मार के मार डाला, दिस इज करवा चौथ स्पेशल,
सो मार मार के मार ही डाला, मार कर दिया। दो एक वर्ड होता है मेक, इसका ऑपोजिट होता है मेक। मेक होता है बनाना, मार होता है बिगाड़ना। तो एक फ्रेज यूज होता है इंग्लिश में, इट्स अ मेक और मार सिचुएशन। मोदी जी ने डिसीजन लिया कि धारा 370 हटा दी जाए, तो ऑपोजिशन बड़ा परेशान हो गया, ये तो सारे वोट इनके पास चले गए। तो अब क्या आता है न्यूज़पेपर में, इट्स अ मेक और मार सिचुएशन फॉर कश्मीर। इससे क्या होगा, या तो कश्मीर बन जाएगा या बिगड़ जाएगा, है ना। तो मेक और मार सिचुएशन, सो दिस इज मार, मेक का ऑपोजिट है। अब जब मैं कभी ऐसा बोलू ना कि इसका ऑपोजिट है, तो आप क्या करेंगे, आपके सबसे ऊपर या सबसे नीचे जो स्पेस है बुक में या शीट में, वहां ये लिखा करो मेक, नॉट इक्वल टू वाला निशान लगाइए, मैथ्स वाला जो लगाते हैं, नॉट इक्वल टू मार, मेक मार, मेक नॉट इक्वल टू मार। कोई आपसे पूछे मेक का ऑपोजिट, आप बोलेंगे मार, कोई बोले मार का ऑपोजिट, आप बोलेंगे मेक। ओके, ये रहा अगला वर्ड मार्टिनेट, स्ट्रिक्ट। कुछ लोग बड़े कठोर, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है ना, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, आपको समय पर काम करना है, समय पर आना है, समय पर जाना है, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े मार्टिनेट होते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, बताइए जी, बताइए, कुछ याद आ रहा हो, मैं तो बता ही रहा हूं। वो टीचर बड़े स्ट्रिक्ट हैं यार, बुक ना लेकर जाओ ना बाहर निकाल देते हैं, बट वो वाले टीचर बड़े वो हैं, हो ना हो कहते कोई नहीं यार बैठो कुछ नहीं होता। तो मार्टिनेट का ऑपोजिट ये है नॉट इक्वल टू, क्या होगा, लीनियंट, एल ई एन आई ई एन टी, लीनियंट। लीनियंट का मीनिंग हो गया उदार, उदारवादी है बड़ा, ठीक है। और सो कहीं भी लिख सकते हैं आप इसे, मार्टिनेट नॉट इक्वल टू लीनियंट, फाइन। नेक्स्ट, तो मारती है नेट के साथ, ये टीचर बड़ी मार्टिनेट है, मारती है नेट के साथ, नेट से पिटाई करती है बच्चों की, मारती है नेट के साथ मार्टिनेट। अंग्रेजों में तो मार्टिनेट सरनेम भी है, कास्ट भी है, इनकी एक इंग्लिश राइटर है, रेनन मार्टिन की बात नहीं कर रहा, वो अलग है, मार्टिनेट अलग है, जिन्होंने ग्रामर की बहुत बढ़िया बुक भी लिखी है, मार्केट में बहुत चलती भी है वो, तो मार्टिनेट, ठीक है, वहां की सरनेम है, वहां के सरनेम ऐसे ही होते हैं, जानवरों और प्रोफेशन के ऊपर भी होते हैं। अपने इंग्लैंड के प्लेयर सुने होंगे, कुक, बटलर, न्यूजीलैंड के वुड, है ना, और वहां पर न्यूजीलैंड में होता है जी क्रो, मार्टिन क्रो थे, उनके कैप्टन थे, फाइन। तो ऐसे बड़े सारे उनके वहां है, हमारे यहाँ अलग सरनेम्स होते हैं, जिसे शर्म आ जाए शर्मा, नहीं तो वर्मा। ओके, तो ये देखिए मैसोचिस्ट, क्या मीनिंग है इसका, पीड़ा सुख भोगी, एक ऐसा इंसान जो अपनी पीड़ा को सहता है परंतु किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करता। हमारे माता पिता भी तो ऐसे होते हैं, खुद सह लेंगे बट हमें उसका भनकता नहीं पड़ने देंगे, तो वो क्या होते हैं, बड़े मैसोचिस्ट। याद कैसे करेंगे, चेस्ट चेस्ट चेस्ट, अपनी ही चेस्ट पे दुश्मन का नाम लिखकर बन जाता है मैसोचिस्ट। गजनी, आपने फिल्म देखी होगी गजनी, तो उसमें अपनी ही पीड़ा को सह रहा है बट किसी से कोई कंप्लेन कर नहीं रहा, सो अपनी चेस्ट पर दुश्मनों का नाम लिखकर बन जाता है मैसोचिस्ट। अपनी ही चेस्ट पर दुश्मन का नाम लिखकर बन जाता है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट का मीनिंग है पीड़ा सुख भोगी। कभी कभी बच्चे ऐसा कहते हैं कि ये पेपर ना बड़ा मुश्किल आएगा, मुश्किल आया इंग्लिश का, हमें तो ऊपर से जा रहा था। वो मुश्किल नहीं होता है, इंग्लिश तो इंग्लिश ही होती है, वो हमारी आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन चला जाता है, मतलब हम जो सोच के गए होते हैं ना वो नहीं होता, है ना। आप सोच कर गए थे सेमीफाइनल में आप जीत जाओगे, तो टफ हो गई पिच, हार गए, तो ऐसा नहीं है, पिच तो वैसे ही थी, हमारा अंदाजा गलत हो गया था, है ना, हम हर चीज को बड़ा लाइटली मान रहे थे, वैसे इंग्लिश में भी है। अब मुश्किल क्या होगा, इसी वर्ड को डिफाइन ऐसे कर देगा, अ पर्सन हु, वन वर्ड में कह रहा हूं, अ पर्सन हु एंजॉयज हिज ओन पेन बट नेवर कंप्लेन्स। चार ऑप्शन होंगे,
उसमें एक मैसोजिस्ट भी होगी जो कि राइट ऑप्शन होगी। अगर आपने वर्ड सुना होगा तो आप सेंटेंस को दोबारा देख के टिक कर दोगे और आपका नंबर पक्का हो जाएगा। बट अगर हमने वर्ड किया ही नहीं हुआ और उसके साथ के दो तीन वर्ड और होंगे वो भी नहीं किए हुए, तो हम तो क्या बोलेंगे, पेपर बड़ा मुश्किल था। मुश्किल नहीं था, पेपर तो वैसे ही था जैसा था, हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारे दिमाग का जो स्टेटस था इंग्लिश का उस समय वो गड़बड़ा गया था, है ना। तो ये देखिए जी, मॉल 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 मॉल, मैंने ऐसा कहा था 10 दिन में आप इतने वर्ड सीखेंगे जितने 18 साल में नहीं सीखे। एंड मैं आज भी उस बात पे अटल हूँ। कोर्स तो 2.5 महीने का है, वो तो बाद की बात है, बट हम 10 दिन में इतने वर्ड्स कर लेंगे कि बाकी आपने नहीं सीखे होंगे पिछले 18 सालों में। और अब इंग्लिश से आपको डर लगना बंद हो जाएगा, प्यार होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, आप चेक करना शुरू कर दोगे न्यूज़पेपर में और अपने सैम्पल पेपर खोलोगे तो आपको खुशी होगी, यस वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये वाले जो आपने पढ़े हैं, ऐसा होगा। तो मॉल का मीनिंग है तहस नहस करना, वैंडलिज्म, तहस नहस करना। मॉल मॉल मॉल, एक शॉपिंग मॉल होता है, शॉपिंग मॉल, उसमें एक दिन क्या हुआ, एक दिन हाथी घुस गया और उसने सब कुछ मॉल कर दिया। तो देखो, हाथी ने मॉल में घुसकर सब कुछ मॉल कर दिया, हाथी ने मॉल में घुसकर मॉल कर दिया। हाथी ने मॉल में घुसकर मॉल कर दिया, तहस नहस कर दिया। अभी कुछ लोग जिन्हें इंग्लिश नहीं आती ना, वो इंग्लिश की टांग तोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं, दे मॉल इंग्लिश लैंग्वेज। कैसे, उल्टी सीधी इंग्लिश बोल के, आई एम कमिंग एंड यू आर जाइंग, ये कौन सी इंग्लिश है भाई। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर मॉलिंग द लैंग्वेज, बिगाड़ रहे हैं। एंड समय हो गया एक और रिवीजन का, अब सभी वर्ड्स को रिवाइज करना है, बट पहले इन पांच पे एक नजर मारते हैं। ये देखिए जी, मार का मीनिंग है बिगाड़ना, एंड मॉल का भी मीनिंग है बिगाड़ना, एंड बोथ आर सिनोनिम्स, दोनों सिनोनिम्स हैं, बट हमारी स्टोरी में आने वाले हैं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम इकट्ठे करेंगे 10-12, उसमें दोनों आ जाएंगे। फिर है मेनू मीट, मनु और अमित क्या हुए, बंधनों से छुटकारा या फिर आजाद करना, ठीक है। ये देखिए जी, मार्टिनेट कठोर स्ट्रिक्ट, इसका ऑपोजिट लीनियन, द मीनिंग ऑफ मैसोचिस्ट पीड़ा सुख होगी। पांचों वर्ड को एक बार दोबारा देख लेंगे, अच्छी तरह देखते याद आने चाहिए, ओके फाइन। देखिए, आप मेरे साथ 5 दिन रहते हैं हफ्ते में और 1 घंटा रहते हैं, बाकी 23 घंटे आप मेरे साथ नहीं होते हैं। सैटरडे संडे तो हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते, है ना। तो इसीलिए जो हमारी बाकी की वाइब्रेशन होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तो वो वर्ड गायब हो जाएंगे, ये 1 घंटा जो रहेगा इसकी जो वाइब्स होंगी वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी, फाइन। सैटरडे संडे आपका रेस्ट हो जाएगा, मंडे को अगर आप दोबारा जैसी क्लास में एंटर करेंगे उसी वाइब्स के अंदर दोबारा आप चले जाएंगे, है ना। तो जो कहीं इधर उधर कोई वर्ड भूले भी होंगे ना, या बैठ के दोबारा याद आएगा, हम इतने सारे टेस्ट करा देंगे कि पक्का याद आएगा। बट अभी ये बताइए, याद आ रहा है ये, बुक में बिना देखिए, मकाब्र, अरे बुक में मत देखिए, सामने देखिए, व्हाट इज मिनिएचर, मैकेविलेन, मैकिनेशन, मैड्रिगल, मेम घायल, मेम घायल, मेरेडिकाओ, मेलाइज बेचैन, मैले कपड़ों में मेलाइज, है ना। मॉल कंटेंट असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन, मेनेकल हथकड़ी, मैनुमेट बंधनों से छुटकारा, आजाद करना भी कह सकते हैं हिंदी में, मार, मार्टिनेट कठोर स्ट्रिक्ट, मैसोचिस्ट मॉल तहस नहस करना। अगला वर्ड है मीक, दब्बू, सबमिसिव, झुकने वाला, मानने वाला, मीक, 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 वीक, वीक पीपल होते हैं मीक, सो मीक पीपल आर वेरी वीक, मीक पीपल आर वेरी वीक। Meek people are very weak. पीड़ा सह रहे हैं ये, झुकने वाले, submissive हैं ये, meek हैं, weak हैं। अगला वर्ड है melancholy, उदासी,
मेलेंकली का मीनिंग है उदासी। मैंने वो फिल्म देखी, कौन सी, कल हो ना हो, शाहरुख खान मर जाता है लास्ट में, कैंसर है जो भी है। तो फिल्म जब खत्म हुई तो मैंने किसी से पूछा कैसी मूवी थी, तो उन्होंने क्या कहा, देयर वाज मेलेंकली इन द मूवी, उदासी थी, सैडनेस थी, मेलेंकली। चलिए याद कैसे करेंगे, ये बात है 15 फरवरी की, 14 फरवरी को क्या होता है, वैलेंटाइंस डे है ना, तो 15, आवाज नहीं आई, पता नहीं है क्या, पता है ना, है ना, तो 15 फरवरी को एक बंदा, एक लड़का या एक लड़की बड़े उदास बैठे हुए थे, ना क्या हुआ इतने उदास क्यों, कहते कल 14 तारीख थी, कल वैलेंटाइंस डे था, तो फिर क्या उदासी क्या बात है इसमें, तो पता है क्या बोले, कहते मिलन कल नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ कल, मिलन कल नहीं हुआ तो मेलेंकली, मिलन कल को अंडरलाइन कर देना, मिलन कल नहीं हुआ तो मेलेंकली, उदासी, मिलन कल नहीं हुआ सो मेलेंकली, सैडनेस, उदासी, मेलेंकली। अच्छा आप देखते हैं जिनका मिलन हो गया उनका क्या हुआ, देखिए अगला वर्ड है मिली, फाइट, मिली तो फाइट, अब जिसकी गर्लफ्रेंड मिल गई थी उसकी हो गई फाइट, वो नहीं मिली तो मेलेंकली, मिली तो मिली, हाथापाई, फाइट। अब फाइट वर्ड आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मिली तो आया हुआ है कि कई बार पूछा गया है, मिली, ओके फाइन। मेंडेशियस, झूठा, मेंडेशियस मींस झूठा, लायर, मंडे को भी झूठ बोलते हैं, मंडे को भी झूठ बोलते हैं मेंडेशियस, मंडे को भी झूठ बोलते हैं मेंडेशियस। मंडे मेंडेशियस, मैंने अंग्रेजों को देखा, उनके बच्चों को देखा, वो झूठ नहीं बोलते आराम से, मगर उनसे हमारे झूठ का कंपैरिजन करो ना तो यूं पलटा जाएगा हमारा, है ना, हमारे 5 बच्चों को बैठा दो वहां पर तराजू में और एक ट्रांसमीटर लगाओ जो चेक करे, और उनके 5 बच्चों को, तो उन्हें मिलेंगे 100 में से एक भी नंबर नहीं मिलेगा, या एक नंबर मुश्किल से, यहाँ 100 में से 100 झूठ बोलने के लिए, क्योंकि घर वाले सिखा देते हैं, चड्डा साहब आए हैं कहते मैं नहीं हूँ, झूठ शुरू, है ना, वहीं से झूठ की शुरुआत हो जाती है ना, मम्मी को बोल दियो कहीं नहीं गए हम, है ना, पापा को कह दियो मैं मार्केट से जल्दी आ गई थी, तो झूठ अंदर जाना शुरू हो जाता है, और उसके बाद बच्चे वहां देखे झूठ ही नहीं बोलते, नेता भी एकदम सच्चे मिले मुझे, वहां का जो प्रेसिडेंट, आई डोंट नो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर ली, हमारी कार खराब हो गई न्यूजीलैंड में, एक वहां पंचर लगवा रहे थे, तो वहां मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई तुझे पता है इसकी स्टोरी का, मैंने नहीं, उसने बताया, उस बंदे से ही मिलवाया जो पंचर लगाता है, उससे क्या हुआ था, एक मिस्टर ली जो उनके प्रेसिडेंट थे, एक बार उनकी कार पंचर हो गई थी दोपहर को 2 बजे, तो वहां खुद ही चलाते हैं वो, कोई बॉडीगार्ड और ड्राइवर नहीं होते, छोटी सी कंट्री है, खुद चलाते हैं, वो वहां गए तो पंचर वाले से हाथ मिलाया, हाय रिकग्नाइज मी, ओ मिस्टर ली आर प्रेसिडेंट, ओ या, तो सो कैसे आना हुआ सर, जरा वो कार पंचर हो गई थी, पंचर लगा दोगे टायर, तो पता क्या बोला, सॉरी सर इट्स अ लंच टाइम, इट्स अ लंच टाइम, 3 बजे आइए लगा दूंगा, वो चले गए, स्टोरी खत्म हो गई, कोई इनके पीए को बोल के दिखाए इट्स अ लंच टाइम, है ना, क्या होगा आपको पता है, मतलब किसी भी नेता के MLA MP और जो छोटे मोटे वो होते हैं उन्हें कोई कह सकता है सॉरी सर इट्स अ लंच टाइम, अच्छा खटाक 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 फिल्म बन जाएगी, है ना। तो ये देखिए मेंडिकेन, बेगर, भिखारी, बेगर वर्ड आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, परंतु मेंडिकेंट, अच्छा इस सेंटेंस की इंग्लिश कौन बनाएगा, कल लेकर आना, भिखारियों को भीख मत दो, लिखना है तो लिख लो, मुझे पता है अभी आप नहीं बताओगे, बताना है क्या किसी को, भिखारियों को भीख मत दो की इंग्लिश क्या होगी, भिखारियों को भीख मत दो, कुछ मुश्किल नहीं है ये, वैसे ग्रेजुएट्स के लिए तो बहुत ईजी होना चाहिए, 15 साल पढ़ाई करके आ रहे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, ये तो सिंपल सा सेंटेंस पूछा, तो कल डिस्कस करेंगे, आप बताना मुझे क्या है, आप नहीं बताएंगे तो मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है, भिखारियों को भीख मत दो, गूगल से मत पूछना हो, गलत बताएगा, ओके। मेंडिकेंट कैसे याद करेंगे, मेंडिकेंट, कैंट, कैंट, कैंट एक जगह ना, वैली कैंट,
कैंटोनमेंट एरिया होता है उसे कैंट कहते हैं शॉर्ट में, कैंट मंडी, मंडी मंडी ऑफ कैंट में हमने भिखारी देखे, इन द मंडी ऑफ कैंट मेंडिकेंट्स, इन द मंडी ऑफ कैंट मेंडिकेंट, मंडी ऑफ कैंट मेंडिकेंट, मंडी ऑफ कैंट मेंडिकेंट, बेगर्स, ओके फाइन। रिविजन 20 वर्ड हो गए, 20 फाइन। तो पहले आपके 20 वर्ड चेक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ओके तो ये देखिए जी, ये बताइए मिक क्या है, दब्बू, मेंडिकेंट बेगर भिखारी, मिली फाइट, एंड मेलेंकली, मिलन नहीं हुआ कल तो मेलेंकली, और मिली तो फाइट, ओके। व्हाट इज मेंडिशियस, झूठा, मंडे को भी झूठ बोलते हैं। मेंडिशियस एक एडजेक्टिव ऐसे बनता है, मेंडिसिटी इससे एक नाउन भी बनता है, वो आगे आएगा, ठीक है। 5 वर्ड को अच्छी तरह देख लो, वी गोइंग टू रिवाइज ऑल द 20 वर्ड्स, फिर आपसे पूछेंगे, ओके। तो कोई एक आधा इधर उधर हो गया हो तो वो भी सामने आ जाएगा। ये देखिए जी, आज का पहला वर्ड था मकाब्र, मकाब्र मीन्स डरावना, मिनिएचर स्मॉल, मैकेविलेन बदमाश, मैकिनेशन साजिश, मैट्रिकल लोकगीत, मेम घायल, मैरिडी बीमारी, मेलाइज बेचैन, मॉल कंटेंट असंतोष, मिनेकल हथकड़ी, मैनोमीट मार, मार्टिनेट मैसुचेस्ट, क्या बात है, मॉल मीक, मेलेंकली उदास, मिली मेंडिशियस, मेंडिकेन, फाइन। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछना है मुझे, वो क्वेश्चन ये है, पहले तो ये वर्ड पूछ रहा हूं मैं आपसे, बट वर्ड पूछने से पहले क्वेश्चन पूछना है। जब हम 3-star, 5-star, or 2-star होटल में खाना खाने जाते हैं, हमें बिल भी देना होता है। सपोज वहाँ बहुत बढ़िया है तो 300-400 रुपए का पनीर होगा या 200-300 रुपए की दाल मखनी होगी। आप दो लोग होते हैं, आपकी मम्मी पापा, आप 3 लोग हैं या ब्रदर सिस्टर 4 लोग हैं, और आपको पता है मेरा बिल आने वाला है 1 या 2 हज़ार रुपया बिल तो आएगा ही, है ना। तो हम पनीर और दाल को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं ना, देते हैं क्या? एक एक पीस की इंपॉर्टेंस होती है, बट मजा भी आता है ना, थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी होता है। अरे लो पनीर, आप लो, नहीं बेटा तू ले, मैंने नहीं खाना, मैं कम खाती हूँ, पता है खाती है बट अभी कम लग रहा है, बट हम वैसे ही काम चला लेते हैं ना। रोटी बटर रोटी होती है, नान होता है, मुंह में पानी आ रहा होगा सुन के, है ना, फाइन। तो बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं हम उसे, इंपॉर्टेंस पता क्या देते हैं, पैसे लगे होते हैं, है ना। जब भंडारा लगा होता है तब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, 3-4 पुड़िया बच भी गई तो साइड पे रख देते हैं, है ना। अगर कुछ खीर ज्यादा नहीं खाई जा रही है, रायता, तो साइड पे रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बट जब 5-star होटल में पैसे लगे होते हैं फिर हम उतना ही लेते हैं और पूरा खाते भी हैं और उसका पूरा मजा भी लेते हैं, है ना, फाइन। इसीलिए जब हम कोई तपस्या शुरू करते हैं, चाहे वो पढ़ाई की तपस्या है या कोई भी ऐसी चीज है, जब उसमें हमारे पैसे लग जाते हैं, हमारी डिवोशन लग जाती है, तो हम उसमें बड़े सीरियस हो जाते हैं, है ना। उसका बेनिफिट तो मिलता है, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, पैसे तो अलग चीज है, वो तो सभी देते ही हैं, है ना, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। ये जो 2.5 महीने हैं ये मजाक नहीं है, इसे तपस्या समझना। मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं फरीदाबाद गया, गाजियाबाद गया, इलाहाबाद गया, मुरादाबाद गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, बेंगलोर गया, ऊटी गया, मैसूर गया, मैंने वहां से बड़े सारे मसाले इकट्ठे किए और आपके लिए सब्जी बना दी। आपको पता है क्या करना है, कंजूसी नहीं करनी, एक एक वर्ड को ढंग से खाना। ये आपके आगे कब आएगा और आपके लिए कितने फायदेमंद होगा, मैं अभी जितना बोलूंगा वो कम होगा, टाइम आपको ज्यादा बता देगा, ठीक है। आपको लग जाएगा कि ये टाइम पे हमने कोर्स कर लिया था और इसके फायदे आपको दिखेंगे, फाइन। इसीलिए इसे बहुत सीरियसली लेना, एक एक वर्ड को,
जो छोड़ेंगे वो एग्जाम में आएगा, छोड़ना कुछ मत, ठीक है। तो ये देखिए, अब मेरी बारी है आपसे पूछने की। मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे 5 वर्ड के मीनिंग बता दो, सिर्फ बुक को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल बंद एकदम, ओके। और ये बताइए कि क्या आपको याद है कि MAIM मेम क्या होता है? घायल। आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, यहां तो यही बात है, या आता है या नहीं आता, ऑप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मकाब्र क्या है? डरावना, हॉरिबल है, ठीक है, टेरिबल है, ग्रिसली है। व्हाट इज मिली? फाइट। व्हाट इज MANUMIT? मैनोमीट, बंधनों से छुटकारा। द मीनिंग ऑफ MAUL? मॉल, बिगाड़ना। हाथी मॉल में घुस के मॉल कर दिया, ठीक है। तो ज्यादा पूछ लिया, बट एक और बनता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलेडी? बीमारी। एंड मैकिनेशन, मशीनेशन, साजिश। डन, ओके, गुड वन। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, दूसरा कौन सा बोला आपने? देखो ये जो आज की है मार्टिनेट, ठीक है। मार्टिनेट का मीनिंग होता है जो इंसान स्ट्रिक्ट है, बंदा स्ट्रिक्ट है। बट जो आपने पहले बोला अब्रेसिव, जो कल परसों किया था हमने, ब्रैस इज अब्रेसिव, वो बिहेवियर के लिए यूज होता है, समझ रहे? आप समय पर नहीं आए, मैंने कहा बाहर निकल जाओ, तो आप क्या बोलोगे? टीचर इज मार्टिनेट, बट टीचर्स बिहेवियर इज अब्रेसिव, रूड। तुम बात कर रहे थे, दफा हो जाओ यहां से, अब्रेसिव रिस्पॉन्स। इन्होंने मुझसे वर्ड पूछा, सर इसका मीनिंग क्या होगा? शट अप, तुम क्लास में कहां होते हो? अब्रेसिव रिस्पॉन्स। तो जो बिहेवियर है वो अब्रेसिव हो गया, और मैं क्या हो गया? मार्टिनेट हो गया, ठीक है, ओके। तो ये देखिए अगला वर्ड है मर्सेनरी। क्या लिखा हुआ है इसमें? भाड़े का टट्टू। हिंदी में पूरा समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़िए, मोटिवेटेड बाय मनी ओनली। क्या लिखा है? मोटिवेटेड बाय मनी ओनली। ये क्या होता है समझ लेते हैं। मैंने कल आपको कहा, बच्चों आपने जितने भी वर्ड सीखे हैं अभी पिछले 2 दिन में या 3 दिन में, वो सारे पढ़ के आना, मैं आपसे कल सुनूंगा। पूछा तो कोई रिस्पॉन्स दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था, कोई दे रहा था, कोई नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने क्या कहा, कल एक दिन और देता हूं मैं आपको, और सबसे 10-10 वर्ड पूछे जाएंगे, और जो उसका आंसर करेगा, 1 वर्ड के 100 रुपए मिलेंगे, 10 वर्ड के 1000 रुपए। सभी एकदम चुकन्ने होके अगले दिन बैठे थे, और मैं नोट गिने जा रहा था और दिए जा रहा था, सभी 10-10 करके आए हुए थे, 1-1000 रुपया सभी ने कमाया, है ना। और फिर बोलने लगे, सर कल के लिए और दे दो ना, है ना, 3 दिन में फी खत्म, है ना। तो ये क्या हुआ? मैंने कहा, यार तुम बड़े गलत लोग हो यार, जब पहले दिन कहा था तो पढ़ के आए नहीं, और अब तुम तो बड़े मर्सेनरी हो, मोटिवेट होते हो पैसे से, वैसे नहीं होते, है ना। तो आप क्या हो गए? मर्सेनरी हो गए, मोटिवेटेड बाय मनी, जो पैसे से मोटिवेट हो, वैसे ना हो, ओके। तो ये वर्ड वही है मर्सेनरी। अच्छा, MERCY, मर्सी होता है दया, NARY नारी, औरत। तो लिखिए जी, मर्सी नारी पर नहीं करता, ये बड़ा मर्सेनरी है, लिंक वर्ड है, ठीक है। मर्सी नारी पर नहीं करता मर्सेनरी, मर्सी नारी पर नहीं करता मर्सेनरी, ये लिंक है, इससे नारी से और मर्सी से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये बंदा पैसे से मोटिवेट है। आज हम 25 ही करेंगे, ठीक है, बाकी पेंडिंग रहेंगे, जैसे A1 के कल छोड़े थे पहले, फाइन। जीके तो कल हमने पूरे किए थे, फाइन, वो दोबारा आएंगे जो लोग नहीं थे, तो बच्चे पे बाद में लेंगे, कल नया वर्ड रहेगा। ये देखिए जी, मर्क्यूरियल, चेंजेबल, ये तो याद आएगा, कल आपने सिनोनिम्स किए थे, यस नो? कल चेंजेबल के सिनोनिम्स किए थे, तो सामने देखिए ना, फिर मेरी ओर देख के बताइए, सबसे पहला वर्ड क्या था उस सिनोनिम में, पिक्चर याद करिए, क्या? वॉलेटाइल, फिर म्यूटेबल, उसमें क्या पड़ा हुआ था? फिकल, पिकल से फिकल, फिर कैप्रिशियस, फिर विम्सिकल, ऊपर कुछ मर्क्यूरियल, और एक और लक्स से बना फ्लक्स। ये 7 वर्ड्स थे कल के लिए, है ना, उनमें से एक ये भी था, मर्क्यूरियल, चेंजेबल, मर्क्यूरी बल्ब इज मर्क्यूरियल, चेंज होता रहता है, कभी 40 वाट, कभी 400 वाट,
कभी 600 वाट का ही रोशनी देता है. सो मर्क्यूरी बल्ब इज मर्क्यूरियल, मर्क्यूरी बल्ब इज मर्क्यूरियल, चेंजेबल. मर्क्यूरी बल्ब इज मर्क्यूरियल, चेंजेबल. मर्क्यूरी मर्क्यूरियल, मर्क्यूरी मर्क्यूरियल. ओके डन. म्यूटिलेट, यही है अगला वर्ड, यही है. क्या मीनिंग है इसका? हम उल्टे सीधे लिंक वर्ड बनाते हैं. क्यों? क्योंकि याद होना चाहिए. ईमानदारी से रट्टा मारेंगे तो होगा नहीं. तो इसलिए हमने टेक्निक क्या बनाई, ऑडियोजुअल टेक्निक. उल्टी सीधी पिक्चर देखो, एग्जांपल देखो, बट याद हो जाएगा. अब देखो, टाइल के आगे टेबल और उसके ऊपर अचार, ये कोई तुक नहीं है, बट हमने बना दिया, बट याद तो हो गया ना. याद होने से मतलब है ना. तो इसमें वही हम कह रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे लिंक आते हैं तो उसमें कोई भी अपने ऊपर मत लेना कि मुझे तो नहीं कहा. आपका नाम मनु या अमित है तो मैनोमीट तो अलग ही वर्ड है, उसमें अपने आप पे नहीं लेना. अब आ गया जी म्यूटिलेट, मोटी लेट. वो जो मोटी लड़की थी, जब ऑफिस आई लेट तो बॉस ने उसे कर दिया म्यूटिलेट, है ना. तो मोटी लेट आई तो बॉस ने उसे म्यूटिलेट किया. मोटी लेट, म्यूटिलेट. मोटी लेट, म्यूटिलेट. फाइन. डन. तो मोटी लेट को अंडरलाइन करिए, म्यूटिलेट को भी अंडरलाइन करिए. मेटल, साहस. अच्छा, एक M-E-T-L मेटल होता है, धातु, मेटल, है ना, सुना होगा साइंस का. तो मेटल का काम करने के लिए मेटल चाहिए, साहस चाहिए. मेटल का काम करने के लिए मेटल चाहिए, साहस, करेज. करेज वर्ड आपको आता होगा, बड़ा कॉमन है, बट एग्जाम में नहीं आएगा. एग्जाम में तो मेटल आएगा. मेटल का काम करने के लिए मेटल चाहिए, साहस. डन. ओके. मियाज्मा, वातावरण. मियाज्मा, वातावरण. क्या पेज नहीं है आपकी शीट में? है. कितने वर्ड्स थे शीट में? 24. दैट्स ऑल. इतना ही करते हैं फिर. अभी बैठिए बैठिए बैठिए, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है. पेज नहीं है, वर्ड नहीं है, इतना ही करते हैं. उसमें इतने ही रहे होंगे, है ना. तो मेरे हिसाब से तो होने चाहिए थे. दो शीट थी ना आपके पास? एक ही शीट है. अच्छा, थैंक यू, नहीं बोला होगा आपने. इन्हें एक शीट दे दो यार, एक दे देना दूसरे वाली. ये देखिए, मियाज्मा एक और कर रहे हैं. दिस इज नंबर 25. बस 25 ही कर रहे हैं आज. तो मियाज्मा का मीनिंग है वातावरण. मियाज्मा का मीनिंग है वातावरण. और उसमें वर्ड आ रहा है आसमा. आसमा, फैक्ट्री के बाहर आसमा, धुएं का मियाज्मा. फैक्ट्री के बाहर आसमा, धुएं का मियाज्मा. दिखाइए, ये लीजिए, पास करेंगे प्लीज. तो फैक्ट्री के बाहर आसमा, धुएं का मियाज्मा. फाइन. वातावरण. लास्ट रिविजन ऑफ द डे. कम ऑन, सामने देखिए और बताइए कि म्यूटिलेट क्या है. मोटिलेट क्या? नष्ट करना. मेटल, साहस. मर्क्यूरियल, चेंजेबल. द मीनिंग ऑफ मर्सेनरी. हाँ, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोटिवेटेड बाय मनी. ओके. एंड द लास्ट वन इज मियाज्मा, वातावरण. ये हो गए हमारे 25 वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में ऐड. घर जाके मत पढ़ना, बट 5 मिनट में रिविजन तो ले लोगे. इतना तो करीब आओगे, है ना, खाना खाते हुए या फोन सुनते सुनते कर लेना. फोन तो आप खैर करते नहीं होगे, फोन तो गलत लोग करते हैं, आप तो अच्छे लोग हैं. फोन फोन फोन. और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम टेस्ट करेंगे इसके ऊपर तो कैसे टेस्ट रहेंगे. ठीक है, आज नहीं करा रहे हैं, बट मैं आपको तरीका जरूर बता रहा हूं. कुछ ऐसा होगा, कोई 5 सेंटेंसेस में आपसे पूछ रहा हूं. ठीक है, अभी तक आपको इंग्लिश मुश्किल लगती थी, क्लोजेस्ट मुश्किल लगता था, कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल लगती थी, परंतु अब मजा आएगा आपको, क्योंकि अब आपके पास कुछ है. ये देखिए,
जब पहला क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको देना है, क्या ये रहा पहला क्वेश्चन। द स्टैच्यू, स्टैच्यू क्या होता है? पुतला है ना या मूर्ति। द स्टैच्यू इज डैश इन साइज। मैं कह रहा हूं मकाब्र होगा, क्यों? स्टैच्यू डरावना नहीं हो सकता क्या? हाँ, जब साइज आ गया ना, इसलिए। वैसे साइज वर्ड ना होता तो हम शायद विचार करते, साइज आ गया तो राइट ऑप्शन विल बी मिनिएचर। इसका आंसर कौन देगा जिसे चारों के मीनिंग पता होंगे? कोई दो पता होते तो हम छोड़ देते इस क्वेश्चन को एग्जाम में, तो है ना, पंगा नहीं लेना। फाइन, ये देखिए, वो तुम्हें जान से नहीं मारेगा, वो तुम्हें घायल कर देगा। मीम का मीनिंग याद है हमें, है ना। ये देखिए, वह आपके करियर को डैश कर देगा। उसके साथ मत बैठा करो, वो आपके करियर को बिगाड़ देगा। मेक नहीं करेगा, मार कर देगा, है ना। एक और देखिए, अच्छा ये मैंने अभी कराया नहीं, आगे यहां मिट्टी गेट आएगा। आपने मिट्टी गेट वर्ड अभी नहीं किया है तो इसलिए मैं कह रहा था, तीन चार का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह के हम टेस्ट किया करेंगे। बट अभी नहीं, थोड़े दिन थोड़े वर्ड सीख ले, फिर टेस्ट का मजा भी आएगा। अब वर्ड कम आते हैं तो टेस्ट कैसे करेंगे, है ना। तो 10 दिन बाद हम टेस्ट शुरू करेंगे। बढ़िया बढ़िया, ओके। ऐसे ही होंगे वो सारे, हर वर्ड के ऊपर होंगे, हर मॉड्यूल के ऊपर होंगे। फाइन, अभी आते हैं आज के सिनोनिम्स पे। आज का सिनोनिम है हमारा बहुत मजेदार, जिसका नाम है नौसिखिया। नौसिखिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिगनर। बिगनर तो यार हिंदी है मेरे हिसाब से। कमॉन कमॉन, नौसिखिया लिखो, नौसिखिया। बिगनर, बिगनर लिखिए, बिगनर। बंद करो इसे, बंद करो। अगर किया हुआ है तो नए सिरे से सीखिए, से नहीं किया हुआ तो सीखिए फिर। एंड आज का वर्ड हमारा नौसिखिया, यानी कि बिगनर। बिगनर लिखा आपने, नौसिखिया लिखा, या दोनों में से कोई एक, ठीक है, लिख दिया। फाइन, ये देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, जब तक पिक्चर चलेगी आप कुछ नहीं लिखेंगे। पेन को साइड पे रख दो, पे अटेंशन। आपकी तीन चीजें काम आएंगी, क्या? आईज, ईयर और ब्रेन, हाथ नहीं, ओके। तो ये देखिए जी, लंबी स्टोरी है थोड़ी, इसलिए देखना जरूरी है। नीचे मुंह करोगे वर्ड निकल जाएगा। फाइन, ये देखिए, ये न्यू फाइटर्स हैं, ये न्यू फाइटर्स हैं, आज ही बॉक्सिंग सीखने आए हैं, अभी एबीसी सीख रहे हैं बॉक्सिंग की, ठीक है। तो ये न्यू फाइटर्स हैं और इनका जो कोच है उसका नाम है कल्लू। ये कल्लू कोच है, ये इन्हें कोचिंग दे रहा है। फाइन, इन्हें कोचिंग देने के बाद ये नाव पे कहीं जा रहा है, नाव पे कहीं, अभी मत रुको, छोड़ दो उसे, पेन को ही बंद कर दो यार। फाइन, ये नाव पे कहीं जा रहा है, वो देखने रहते, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये न्यू फाइटर्स है, इनका कोच है कल्लू, इन्हें कोचिंग देने के बाद ये नाव पे कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? यहाँ ना एक ढीली सी टेंट लगी हुई है, क्या? ढीली सी टेंट, देखो कितनी ढीली है, प्रोफेशनल ने तो नहीं लगाई है ना, ढीली सी तंबू या टेंट है, यहाँ आएगा। बट इसके अंदर चलते हैं हम, पहले देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। देखिए, इसके अंदर आ गए हम और यहाँ देखा हमने, देखा सोफा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है? सोफा। यहाँ एक होल, होल को मोरी कहते हैं ना हिंदी में, यहाँ सोफे में एक मोरी भी है। देखिए, सोफा पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ डिब्बे और कुछ टायर भी पड़े हैं, क्या? सोफा पड़ा है, डिब्बे और टायर भी पड़े। एक बार दोबारा देखते हैं, फाइटर्स है, न्यू फाइटर्स है, ठीक है, कल्लू, नाव, ढीली सी टेंट, उसके अंदर क्या है? सोफा, सोफे में मोरी भी है, डिब्बे और टायर। अब आ गया कल्लू यहां पर, इसने लगाए हैं ग्रीन हॉर्न। अब वो था सिंह को इंग्लिश में हॉर्न कहते हैं, नहीं पता तो आई सुन लो, ग्रीन हॉर्न, ठीक है। अब यहां ये अपने क्लब का फ्लैग लगाएगा और उसके बाद ये कोका कोला पिएगा और फिर ये हमें सुनाएगा, क्या? ए बी सी डी, दैट्स ऑल, ए बी सी डी, दैट्स ऑल, स्टोरी इज़ ओवर। एक बार दोबारा देखते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए जी, ये है न्यू फाइटर्स, कल्लू, नाव, ढीली सी टेंट, सोफा, सोफे में मोरी है, डिब्बे, टायर, ग्रीन हॉर्न, फ्लैग, क्या पिएगा? रसना, कोका कोला, पेप्सी भी नहीं कोका कोला, थम्सअप भी नहीं कोका कोला, कैंपा भी नहीं कोका कोला, और फिर उसके बाद ये हमें सुनाएगा काका का एबीसीडी। ये तो सीन हो गया याद। अब इससे हमने कैसे सिनोनिम्स किए, लिखना मत अभी यहां। ये देखिए, कल्लू से बना खेलो, कल्लू से बना खेलो। अरे भाई साहब, फ्लाइट है क्या?
फ्राइड पे तो नहीं जाना ना, तो टीचर की मानोगे तो फायदा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, ठीक है। न्यू फाइटर से न्यू फाइट, नाव से नाइव। देखो इसे नेव भी बोलते हैं, नाइव भी बोलते हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, आप जो मर्जी बोलिए, नाइव नेव बोथ आर राइट प्रोनंसिएशन। फिर ढीली सी टेंट लगी है, डिलिटेंट, ढीली सी टेंट डिलिटेंट, डिब्बे पड़े हैं डेबलर, टायर पड़े हैं टायरो, ठीक है, सोफा और सोफे में मोरी सोफोमोरिक, सोफे में मोरी सोफोमोरिक, ग्रीन हॉर्न ग्रीन हॉर्न ही होता है, फ्लैग लगाया फ्लैजलिंग, कोका कोला पिएगा कोल्ड। मैं बता देता हूं, कोल्ड का मीनिंग घोड़े का बच्चा भी होता है और कोल्ड का मीनिंग नो सिखिया भी होता है, वर्ड वहीं से आया, घोड़े का बच्चा अभी भागना ज्यादा आता नहीं रेस में, उसे तो नो सिखिया है। एंड एबीसीडी से एबीसीडेरियन, ठीक है, ये रहे हमारे 11 वर्ड्स, नोट करिए, सबका मीनिंग है नो सिखिया, सबका मीनिंग है नो सिखिया। नंबर डालना साथ साथ, ऊपर से नीचे की ओर लिखना, तो अब आपसे कोई बोलेगा कि नो सीखिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वी नो 11 वर्ड्स, बिगनर मत बोलना, बिगनर तो सबको आता है, उसके अलावा 11 वर्ड्स हैं वो हमें बोलने चाहिए, ठीक है। सो सभी ने लिखा, फाइन, हो गया नोट। तो एक बार अपनी शीट को बंद करिए, बुक को बंद करिए, सामने देखिए, उम्मीद है आप बता देंगे पिक्चर देख के आपकी वो वर्ड कौन सा था, बता देंगे ना, फाइन, रेडी। ये देखिए, ये देखिए, ये कौन सा वर्ड है, नियोफाइट की स्पेलिंग याद आ रही है कुछ, NEOPHYTE, स्पेलिंग CALLOW। मैं कोई इम्तिहान नहीं ले रहा हूं, घर जाके एक बार दोबारा देख लेना, स्पेलिंग याद हो जाएगी, एक दो बार लिखेंगे तो, है ना। फिर नेविया नाइव कह सकते हैं, देन डिलिटेंट, ये जरूर देख लेना इसकी स्पेलिंग, कितने टी आ रहे हैं कितने एन आ रहे हैं, फिर सोफोमोरिक, फिर डेबलर, फिर ग्रीन हॉर्न। इस टेक्निक की मजेदार बात यह है कि मैं पिक्चर बाद में लाता हूँ, आप पहले बोल देते हैं, क्योंकि आपके यहाँ वो फीड है चीज, है ना। फिर फ्लैजलिंग, फिर कोल्ड, और फिर लास्ट वर्ड इज एबिसिडेरियन, और ये हो गए हमारे कितने वर्ड, 11। फाइन, वैसे तो आज हमें फ्रेजल वर्ब भी शुरू करने थे, बट कुछ लोगों के पास बुक नहीं है, वो आ जाएगी तो कल से शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब भी, ठीक है, और बाकी करेंगे कल, न्यू वर्ड टुमारो, ओके। एम के जितने बच गए पेंडिंग है, बाद में करेंगे, ठीक है। सो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।